पंचकुला में हिंसा भड़काने वालों की पुलिस गहनता से तलाश कर रही है। उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने एक मोस्ट वांटेड लिस्ट जारी की है, जिसमें 43 चेहरे हैं। हालांकि 2 चेहरों के नीचे उनका नाम है, बाकी 41 की अब तक पहचान नहीं हो पाई। पंचकुला हिंसा को लेकर पुलिस के सामने कई सवाल भी हैं और इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करने के लिए पुलिस ने डेरा प्रबंधन को भी जद में लिया है। डेरा के चेयरपर्सन विपासना से SIT ने करीब 3.25 घंटे तक पूछताछ की, जिसमें हनीप्रीत को लेकर बड़े खुलासे हुए। 25 अगस्त को पंचकुला समेत हरियाणा के कई हिस्सों में हुई हिंसा के गुनहगार कहां हैं? ये सवाल हर कोई हरियाणा पुलिस से पूछ रहा है और इसका जवाब तलाश करने के लिए पुलिस भी दर दर भटक रही है। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए 43 लोगों की एक मोस्ट वांटेड लिस्ट जारी की है। इन आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पुलिस ने अब डेरा प्रबंधन को अपनी जद में लिया। डेरा के चेयरपर्सन विपासना से SIT ने पूछताछ की है। 3.25 घंटे की पूछताछ, 19 सवाल। SIT ने विपासना से करीब 3.25 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के दौरान विपासना से 19 सवाल पूछे गए। ये सवाल हनीप्रीत इंसा, आदित्य इंसा को लेकर थे। साथ ही 25 अगस्त को पंचकुला में हिंसा को लेकर भी SIT ने विपासना से सवाल किए। SIT की पूछताछ में विपासना ने हनीप्रीत को लेकर अहम खुलासा किया। SIT ने पूछताछ में विपासना से 19 सवाल किए, जिनमें से 3 सवालों पर विपासना के दिए जवाबों की पुलिस ने मीडिया को जानकारी भी दी। चलिए आपको बताते हैं कि पुलिस की तरफ से पूछे वो 3 सवाल कौन से थे और विपासना ने उन सवालों का क्या जवाब दिया। पहला सवाल, पुलिस का पहला सवाल था, हनीप्रीत कहाँ है? SIT ने विपासना से पूछा कि पंचकुला हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता हनीप्रीत इंसा कहाँ है, जिस पर विपासना ने बताया हनीप्रीत इंसा 25-26 की रात को सिरसा आई थी, उसके बाद वो कहाँ गई इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बारे में पूछताछ की गई है, हनीप्रीत वहाँ से रोहतक से डेरे में आई है, उसके बाद कहाँ गई है, इस संबंध में सबसे गहराई से पूछताछ की है मैडम। इस बात को तो मान लिया, अभी वहाँ से डेरे में आई थी, उसके बाद के बारे में अब क्या है, हम उसके जो एंगल बताए उसकी जांच करेंगे कि वहाँ से ये सिरसा आई थी डेरे में। जी, उसी दिन आई थी, अगले दिन आई थी, 25-26 रात को। पुलिस का दूसरा सवाल, आदित्य इंसा और बाकी आरोपी कहाँ है? SIT के सवाल का विपासना के पास कोई जवाब नहीं था। विपासना ने बताया कि उसे इन लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसे नहीं पता कि ये लोग कहाँ हैं। उनके बारे में पूछा है, इन्होंने कहा है भी मुझे नहीं पता, उस दिन से पंचकुला से दोबारा के लिए 1-2 दिन में हम बता दें। पुलिस का तीसरा सवाल था, 25 अगस्त को आगजनी और हिंसा के पीछे कौन कौन लोग थे और हिंसा के पीछे डेरा की क्या भूमिका थी? इस सवाल का जवाब देते हुए विपासना ने कहा कि डेरा तो हमेशा से ही लोगों से शांति की अपील करता रहा है, कुछ अराजक लोगों ने हिंसा फैलाई थी। उधर SIT ने बताया कि अगर जरूरत पड़ी तो विपासना से दोबारा पूछताछ की जाएगी, साथ ही विपासना से जो भी जानकारी मिल रही है उसकी सत्यता की भी जांच की जाएगी। फिलहाल पुलिस को पूछताछ के बाद मालूम चला है कि हनीप्रीत पंचकुला हिंसा के बाद 2 दिन तक सिरसा डेरे में ही थी और अगर पुलिस तब एक्शन लेती तो हनीप्रीत को गिरफ्तार किया जा सकता था। जैसा से बलजीत सिंह की रिपोर्ट, MH1 न्यूज़।